नमस्ते फ्रेंड, सत श्री अकाल। तो फ्रेंड कैसे हो? तो फ्रेंड आज की हमारी छोटी सी वीडियो है, एक मैसेज ही है इस वीडियो में। तो कुछ लोग होते हैं जो अनगहली कर देते हैं, गाड़ियां चलाते समय ध्यान नहीं देते, कुछ कुछ वार्निंग लाइटें वगैरह आ जाती है तो कस्टमर ध्यान नहीं देता, ये क्यों आ गई देखता नहीं। तो एक ये केस आया हुआ है मेरे पास, ये इस कस्टमर ग्राहक ने भी एक लाइट आई तो उस पर ध्यान नहीं दिया और गाड़ी का नुकसान हो गया, इंजन खुल गया उसका। इस गाड़ी में लाइट आई थी ऑयल, अपनी जो होती है ऑयल प्रेशर की लाइट, तो जो इंजन ऑयल कम हो तो तब वो लाइट आती है, जहाँ ऑयल पंप वगैरह काम छोड़ दे तब लाइट आ जाती है। तो वो भी बहुत ख़तरनाक लाइट है, एक तो चेक लाइट होती है ना, उससे तो कोई वायरिंग वगैरह का लफड़ा होता है। इस गाड़ी पर भी एक दोस्तों इसकी ऑयल प्रेशर की लाइट आ गई, कस्टमर ने ध्यान देख तो लिया लाइट आ गई है, बट वो कह रहा मैं 2 किलोमीटर जाना था, 2 किलोमीटर की जाने की कोशिश में उन्होंने अपने गाड़ी का नुकसान कर लिया, उसका क्रैंकशाफ्ट सीज हो गई है। तो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक सिर्फ लाइट आई, उसने देखा हाँ लाइट आ गई, उसने गाड़ी नहीं रोकी, गाड़ी को 2 किलोमीटर जाना था, कहता था भी वहाँ जाके देख लूँगा, वहाँ जाने के चक्कर में उसने अपनी गाड़ी का इंजन खुलवा लिया, सीज कर लिया। तो दिखाता हूँ मैं, ये गाड़ी है महिंद्रा की जीतो गाड़ी है, जो जीतो गाड़ी होती है 1 सिलेंडर 1 सिलेंडर गाड़ी, तो दिखाता हूँ आपका। तो ये भी बताता हूँ इसमें वो क्रैंक इसकी ऑयल प्रेशर की लाइट क्यों आई है, वो भी आपको बताता हूँ क्यों आई है। तो ज़्यादातर तो गाड़ियों के ऑयल प्रेशर काम ऑयल पंप का काम छोड़ देते हैं, तो वो इसका ऑयल पंप वगैरह काम नहीं छोड़ा, इसका और रीज़न बना है वो दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको वीडियो में। खुला हुआ वो बलेरो का येलो का गियर खोला हुआ है, और ये महिंद्रा जीतो का गियर इंजन खोला हुआ है, ये रहा इसका हेड जीतो गाड़ी का, वो बलेरो अपनी येलो का गियर खोला हुआ है येलो गाड़ी का, ये जीतो का इंजन, इसका ये रहा इसका पिस्टन। तो ठीक है फ्रेंड, ये रहा इसका पिस्टन, पिस्टन वगैरह बिल्कुल ओके है, कनेक्टिंग रॉड थोड़ी सी ख़राब हो गई है अंदर से, थोड़ा सा स्क्रैच आया, और ये रहा इसके जो क्रैंक की कनेक्टिंग रॉड बैरिंग, ये देखो सीज हो गए पूरी तरह से, और ये भी पूरा ये इसका ये रही इसकी क्रैंक फ्रेंड, तो पूरी तरह से ये इस तरह जुड़े पड़े थे, इसको पेचकस से ठोक कर निकाला है इसको पूरा, ये पूरी तरह से इस तरह से जुड़ गए थे, सूखा चलने से तेल नहीं मिला इनको, ऑयल पंप ने तेल नहीं उठाया, इस तरह से जुड़े पड़े थे, इसको निकाला और ये देखो पूरी तरह से लाल हो गया है, सूखे चलने से रगड़े गए हैं पूरी तरह से, ये देखो। तो ये क्रैंक भी थोड़ी सी स्क्रैच आ गई, इसको भी देखते हैं क्या करवाना है। तो इसका जो मेन कारण है, जो ऑयल पंप ने इसका तेल नहीं उठाया, इसका ऑयल पंप भी आपको दिखा देता हूँ, ये रहा इसका ऑयल पंप, ज़्यादातर ये गाड़ियों में ऑयल पंप काम छोड़ देता है, तो ये तो बिल्कुल ओके है। तो इसका मेन प्रॉब्लम है ये इसका हाउसिंग प्लेट है इसकी फ्रंट, और ये भी इसकी हाउसिंग प्लेट है, इसके अंदर क्रैंक फिट होती है, तो उसकी ये ऑयल पंप की ये गरारी होती है, ये देखो ये यहाँ से पूरी तरह से इसके दंदे खराब हो गए हैं, देखो ये देखो इसके पूरी तरह से दंदे ही टूट गए हैं, ये कंपनी की गलतियाँ हैं, ये प्लास्टिक की गरारी लगाई है, और ये लोहे की भी लगा सकते थे, एक छोटी सी इनकी गलती ने गाड़ी का इंजन ख़राब कर दिया, एक तो कंपनी की ये गलती है, उन्होंने प्लास्टिक की गरारी लगाई है, और एक दूसरी ग्राहक की गलती है गाड़ी वाले की, उसने लाइट देखी और गाड़ी रोकी नहीं, देखने के बावजूद भी गाड़ी ने उन्होंने रोकी। तो ये देखो पूरी तरह से दंदे इसके टूट गए, तो ये गरारी तो ये क्रैंक की गरारी ये इस गरारी से चलती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी लोहे की है, वहाँ भी लोहे की लगा सकते थे, तो पता नहीं क्यों नहीं लगाई। तो ये बहुत सारे केस आते हैं इस तरह के, दो तीन केस मेरे पास आ चुके हैं, ये गरारी टूट जाती है, इनके दंदे खराब हो जाते हैं, और गाड़ी वाला ध्यान नहीं देता, रोकता नहीं गाड़ी को, बस चलती रहती है गाड़ी। ये ऑयल प्रेशर की स्विच होती है, इसने लाइट बजानी होती है, अगर इसको लाइट तेल नहीं मिलता प्रेशर से, तो ये स्विच ऑयल प्रेशर की लाइट जगा देती है। तो ये देखो एक छोटा सा रीजन ये प्रॉब्लम थी इसकी, तो गाड़ी वाले ने ध्यान नहीं दिया, लाइट आई और गाड़ी रोकी नहीं, और ये इसकी बैलेंसर शाफ्ट है, ये भी इस तरह की चलती है, तो इससे जहाँ क्रैंक की गरारी आ जाती है और इसको चलती है। तो ठीक है फ्रेंड, तो अब इसकी क्रैंक देखते हैं, दिखाते हैं वो खराबियों को, अगर वो बोलेगा चल जाएगी तो फिर ऑनली ये टुकड़ियाँ डालकर और गरारी डालकर इसका काम कर देंगे, बाकी इसकी पिस्टन स्लीव और हेड का काम बिल्कुल ओके है, कोई उसको कुछ नहीं करवाना, सस्ते में काम करना है। तो ठीक है फ्रेंड, एक छोटा सा मैसेज है, अगर कोई लाइट आती है तो वो उस लाइट को देखा करो, क्यों लाइट आई है, क्यों क्या कारण बना वो लाइट आने का,
अगर अनगहली करोगे तो आपका भी नुकसान हो सकता है, ऐसे इंजन खुल सकता है। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आप फुल वीडियो चाहते हैं इस इंजन ओवरहाल पर, तो मैंने फुल वीडियो पहले से ही अपलोड की हुई है महिंद्रा जीतो पर, तो वो आप जाके देख सकते हैं। मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा, वो वहाँ जाके आप उसको क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो छोटी सी लाइट, आपको उस लाइट पर ध्यान देना है कभी भी जब कोई आती है चलती गाड़ी पर, तो आपको देखना है, मैकेनिक से चेक करवानी है अगर आपको कुछ नहीं पता लाइट के बारे में। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड, ये मेरी छोटी सी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।